तोड़ने थे यहाँ से, रिमूव करने थे, वो रिमूव हो चुका है क्योंकि लास्ट वीक मेरी सर्जरी हुई थी। अभी मैं जा रही हूँ फेस ट्रीटमेंट के लिए। सो ये वाली जो ट्रीटमेंट है वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो ये जो वाली फेस ट्रीटमेंट है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई। पहले मैंने किया था लंदन में और यूएस में, तीन बार कर चुकी हूँ। एवरी ईयर इसको मेंटेन करना पड़ता है, तो ये वापस मैंने स्टार्ट किया है। तो $12,000 इन्होंने चार्ज किया फॉर ओनली दिस फेस। और ये वाला फ़ोन मैंने ब्लॉगिंग के लिए रखा था, तो ये मैं किसी को गिफ्ट कर दूँगी। मुझे तीन फ़ोन किसी को गिफ्ट करना है फैमिली में, तो यस मैं कर दूँगी। कैन्यूला थी जो 2 इयर्स तक रहेगी, मेरा फेस ऐसा का ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली ये सारी ट्रीटमेंट्स सेलिब्रिटी ही करवाती है, तो लास्ट टाइम लंदन में करवाया था, 15 लाख का मेरा इतना ही फेस हुआ था। तो इस बार यहाँ पे थोड़ा चिप में होगा, US में ओनली 10 लाख। एवरी 6 मंथ में 10-10 लाख का खर्चा करती थी फेस पे। सो अभी इस बार मैंने ऐसी ट्रीटमेंट करवाई है कि मुझे ना ही फेशियल की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बोल रहे हैं कि 2 साल तक रहेगी ये ट्रीटमेंट, लेकिन हाँ एवरी 6 मंथ मैं 7 मंथ पहुँच ही जाती हूँ। तो एवरी 6 मंथ 7 मंथ मैं 10 लाख का खर्चा करती हूँ अपने फेस पे। मैंने बताया कनाडा में ही थी पहले, तो मैं कनाडा में भी गई थी, लंदन में थी, तो मैंने वहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए। अभी यहाँ पे US में भी अवेलेबल हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाई। तो ये जो डायसन के सारे हेयर ड्रायर है, वो मैंने मेरे 8 BHK जो मेरा घर है उसके लिए मैंने मंगवाया है। सारे मैंने चेंज कर दिए पूरे बाथरूम में। तो ये इसकी पर प्राइस है ये 55,000 रुपीज़, क्योंकि ये मुझे महंगा पड़ा क्योंकि ये न्यू एडिशन है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड अभी मैं जा रही हूँ मीटिंग फिनिश करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्योंकि यहाँ पे मैं एक इवेंट करने वाली हूँ उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे आज मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करूँगी। हाय, सो अभी मैं आई हूँ अपनी टीथ ट्रीटमेंट करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास। तो मेरी मीटिंग हो गई और सक्सेसफुल रही। यूएस में डेंटिस्ट लोग इतना कमाते हैं, मेरी सिर्फ 4 टीथ है नीचे के, वो भी सिर्फ कंप्लीट करने हैं, उसके $12,000। अभी पूरी सारी होगा वो तो $30,000-$40,000 हो जाएगा मेरे टीथ के। मतलब सोचो कि जो ट्रीटमेंट 5 लाख में होती है इंडिया में, वो यहाँ पे कितनी एक्सपेंसिव होती है। और ये ऑर्थोडॉन्टिस्ट जो होता है ना, वो लोग करते हैं, तो यहाँ की पूरी सिस्टम अलग है US की। लाइक वो लोग बहुत ज़्यादा माइनर ही चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चेक करते हैं, उसके बाद जाके आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मेरी 1 ईयर से ट्रीटमेंट स्टार्ट है, अभी तक फिनिश नहीं हुई। Oh, 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 oh
दूसरे वाले मतलब एक ही डेंटिस्ट है हमारा, परमानेंट फैमिली फ्रेंड है। तो यू नो मेरे घर में सारे मोस्टली डेंटिस्ट हैं और सारे लोग मतलब लाइक बिजनेस वाले हैं। तो ये भी फैमिली डॉक्टर ही है जो डेंटिस्ट है। तो उन्होंने मतलब लाइक नीचे के दांत जो थे उनकी उनके नीचे जो काम करते हैं उन्होंने किए, और ये ऊपर के ज़्यादा सारे दांत होंगे वो ये करेंगे। और ही इज़ वेरी वेरी ब्रेव, उनका काम बहुत ही अच्छा है एंड ही इज़ वेरी फेमस हियर इन वर्जीनिया। तो $12,000 तो उसके हुए, लेकिन दूसरे $30,000 होंगे, लाइक ऑलमोस्ट $40,000 होंगे मेरे सिर्फ दांत के, लेकिन लाइफ टाइम के लिए है ये। इंडिया में कैसे होता है कि 1 month में हो जाता है, यहाँ पे 1.5 साल लगेगा। US में टिकट ऐसे मिलती है स्पीडिंग की वजह से, थोड़ी स्पीड में आपने गाड़ी क्या चलाई, यहाँ पे टिकट पहुँच ही जाती है, आपके घर पे आती है पोस्ट बॉक्स में, अदरवाइज ऑनलाइन आती है, अदरवाइज ऐसे मिलती है जैसे ऑफिसर्स अभी खड़े थे। तो मैं तो हमेशा हर एक कंट्री में कार चलाती हूँ, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लेफ्ट ड्राइव भी आता है, राइट ड्राइव भी आता है। तो इंडिया में मैं राइट ड्राइव करती हूँ, और यहाँ पे US में मैं और दुबई में लेफ्ट ड्राइव है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं 15 साल से करती हूँ इसलिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ रूल्स है। मेरे ना पार्सल कभी खत्म, ये मैंने अपनी दीदी की बेटी के लिए मंगवाया है।